इन दिनों साइबर ठगी तो लगता है मानो आम बात हो गई हो। आए दिन हम साइबर ठगी के किस्से खबरों में पढ़ते और देखते हैं। वहीं बिहार में तो साइबर शातिर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। लगता है मानो उनके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं बची हो। साइबर ठग तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल पटना पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर को गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग साइबर ठगी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ठगी करने का तरीका भी हैरान करने वाला है। सबसे पहले इसने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाया, उसमें बकायदा हाई कोर्ट से संबंधित तस्वीरें भी लगाई। उसके बाद शातिर ने उस प्रोफाइल के जरिए रजिस्ट्रार जनरल को अपने झांसे में लिया और बड़ा खेल कर दिया। गिरफ्तार साइबर शातिर का नाम यूसुफ बताया जा रहा है। ये मूल रूप से सिवान जिले का रहने वाला है। ये असम के बारपेटा में रहकर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम देता था। अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन करने वाले यूसुफ ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम का प्रयोग कर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि पुलिस शातिर मास्टरमाइंड फ्रॉड के मोबाइल को घटना के बाद सर्विलांस पर रखा था। मंगलवार को इस शातिर का लोकेशन पटना में मिला, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए शातिर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पटना हाई कोर्ट के अधिकारी ने 18 जुलाई को कोतवाली थाना में एक केस दर्ज कराया था। इसी डेट में चीफ जस्टिस के नाम पर फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल से एक मैसेज रजिस्ट्रार जनरल के सरकारी मोबाइल नंबर पर गया था। प्रोफाइल के डीपी में चीफ जस्टिस का फोटो लगा हुआ था। शातिर ने रजिस्ट्रार जनरल को लिखा कि वो अमेजोन का 15 गिफ्ट कार्ड खरीद कर दिए गए लिंक पर भेजे। एक गिफ्ट कार्ड की कीमत 10,000 थी। मैसेज को सही मानते हुए रजिस्ट्रार जनरल ने अपने अमेजोन अकाउंट से 1.5 लाख में 15 गिफ्ट कार्ड खरीद कर दिए गए लिंक पर भेज दिया। इसका पैसा रजिस्ट्रार जनरल के अकाउंट से कट गया, जिसके बाद उन्होंने जब मोबाइल नंबर चेक किया तो पता चला कि वो ठगी हो चुकी है। तब तक शातिर 1 लाख के 10 गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल कर चुका था। 5 गिफ्ट कार्ड ही वापस अपने अकाउंट में करा पाए थे। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।